केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप हर वर्ग के लिए एक प्रेरणा महापुरुष के रूप में माने जाते हैं। महाराणा प्रताप ने संकटों से अकेले जूझकर भी मुगलों का मुकाबला किया, कठिन से कठिन चुनौती के सामने भी घुटने नहीं टेके। ऐसे प्रताप बनने के लिए हम सबको भी चुनौतियों का मुकाबला कर आगे बढ़ना होगा। चारों तरफ मनाई जा रही है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे ऐसा व्यक्तित्व जिसको 450 साल बाद भी हम याद करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि उस समय अलग चुनौतियाँ थी, आज जो भी चुनौती है हमारे नौजवानों के सामने, उन चुनौतियों के सामने कभी हार ना माने, कभी घुटने ना टेके, अपने लक्ष्य की तरफ काम करते रहे। हार या जीत तो चलती रहती है लेकिन लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, हिम्मत से आगे बढ़ते रहें, यही सबसे बड़ी सीख है। और आज के युग में अगर हम किसी तरह इस पूरे भारत को एक नई दिशा अगर दे पाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि महाराणा प्रताप को वही होगी। वे रविवार को बांसुर के गिरधारी दास मंदिर के समीप राजपूत छात्रावास में राजपूत शिक्षा समिति की ओर से आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में उपस्थित लोगों को मुख्य अतिथि पद से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के बताए मार्ग पर अनुसरण करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री राठौड़ गांव मुगलपुर भी पहुंचे, जहां मंगलवार को जम्मू में शहीद हुए हंसराज गुर्जर के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों की वजह से आज हम घरों में सुरक्षित हैं। शहीद के परिवार की हर तरह मदद करना एवं उनका सम्मान करना हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। इस मौके पर राठौड़ के मीडिया प्रभारी अजय शर्मा, सावंत चनेजा, तहसीलदार सत्यनारायण छीपा सहित कई लोग मौजूद रहे।